गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने चैनल प्राइम टीम्स में। इंग्लैंड वर्सेस श्रीलंका आज आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप में एक ही मैच है शाम को 7:30 बजे। इससे पहले कि हम इस मैच के बारे में बात करें जो कल हुआ, थोड़ा सा डिसहैपनिंग था, लेकिन हमारे लिए ओवरऑल दिन अच्छा था। हमने वुमेंस बिग बैश के मैच खेले वो जीते, हमने अफगानिस्तान वाला मैच खेला वो जीता, हमने इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड वाला मैच खेला वहाँ हमने ये 10,000 वाली लीग है 11 चैलेंजर्स ऐप पे खेली थी, 200 पॉइंट का डिफरेंस है ऑलमोस्ट, अगर काउंट करोगे 170 का तो है ही, है ना। तो हमारे लिए मैच ओवरऑल अच्छा था लेकिन इंडिया के लिए उतना अच्छा नहीं था, और वो थोड़ा सा जो है चीज़ दिन हमारा ख़राब करिए। ठीक है, होता है बड़े टूर्नामेंट्स में, ऐसा नहीं है, दूसरे लोग भी जीतने ही आए हैं, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ हारने आए हैं, या फिर हमारा रिकॉर्ड अच्छा है तो हम जीत जाएंगे या फिर हमारा रिकॉर्ड ख़राब है तो हम हार जाएंगे। उस मैच के बारे में अपन डिटेल में बात करेंगे इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान वाले वीडियो में। मैच परसों है, हो सकता है कि मैं वीडियो आज ही अपलोड कर दूँ क्योंकि मैंने पूरा डेटा जो है निकाल के ही रखा था इंडिया पाकिस्तान वाला मैच की। मैंने सोचा था इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड जब होगा, इंडिया जीतेगा, तो इंडिया अफगानिस्तान वाला वीडियो जल्दी डालेंगे, एक हैपनिंग हैप्पी वीडियो बनेगा, लेकिन नॉट टू बी। तो ठीक है, वो वीडियो अगर हो सका तो मैं आज ही अपलोड कर दूंगा। अभी अपन इस वीडियो में स्पेसिफिकली इंडिया वर्सेस श्रीलंका की बात कर लेते हैं, फिर जो इंडिया अफगानिस्तान वाला वीडियो है ना उसमें क्या सिनेरियो अभी भी है कि इंडिया जो है क्वालिफाई कर जाए वो मैं आपको बताऊंगा। लोग बोल रहे हैं कि अफगानिस्तान जो है न्यूजीलैंड को हराए, ऐसा सिनेरियो अगर होता है और फिर इंडिया सारे मैचेस जीती अच्छे मार्जिन से तो क्वालिफाई करेगी, लेकिन एक उल्टा सिनेरियो फिर बन जाएगा अगर अफगानिस्तान जीत जाती है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा उसी वीडियो में। तो उस वीडियो में अपन कुछ बातें कर लेंगे कि क्या होता है, क्या हो सकता है, प्लस एनालिसिस जो अपन करते हैं वो कर लेंगे। ठीक है, आज का मैच जो मैच है उसे अच्छा बनाने के लिए इंग्लैंड वर्सेज श्रीलंका, अच्छा ये तो वर्ल्ड कप का मैच है, इसके अलावा अगर आप T10 खेल रहे हो, ECS T10 रोम आज से स्टार्ट हो रहा है, चैनल पे आ जाना, टेलीग्राम चैनल कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे जाओगे, लिंक पे क्लिक करोगे तो प्राइम टीम्स नाम का चैनल खुलेगा, इस पे क्लिक करोगे मतलब लिंक पे क्लिक करोगे तो चैनल खुलेगा, और यहाँ पे अगर नीचे ज्वाइन लिखा था वो ज्वाइन दबा दोगे तो आप चैनल पे आ जाओगे। ठीक है, फ्री आपको टीम्स मिल जाती है। एक चीज़ होती है इधर कि 11 चैलेंजर्स की T10 के लिए टीम आती है, प्लस मैं वर्ल्ड कप भी पर्सनली आपके सामने रिजल्ट दिखाई दिया है कि मैं वर्ल्ड कप और वुमेंस बिग बैश सारे मैचेस अभी 11 चैलेंजर्स खेल रहा हूँ। कॉम्पिटिशन कम है, एंट्री फीस कम है, प्लस अभी कुछ ऑफर्स चल रहे थे डिपॉजिट वगैरह के, इंस्टेंट विड्रॉल भी है यहाँ, तो ये सारी चीज़ें जो मुझे चाहिए रहती है वो आ जाती है, ना ही क्रेडिट का इशू होता है ना कुछ, है ना। क्रेडिट का इशू ना होने की वजह से मैं इतने सारे प्लेयर्स यहाँ पे एडजस्ट कर पाया था और मेरा मैच इतना अच्छा गया था। ठीक, ऊपर से होता क्या है कि वुमेंस बिग बैश या फिर अगर आप T10 खेल रहे हो तो 6 ऑलराउंडर आपको लेने जाने पड़ते हैं अगर आपको अच्छी टीम बनानी है, तो वो यहाँ पॉसिबल हो जाता है। 6 ऑलराउंडर के साथ आप चले जाओ, सिर्फ चाहे एक दो बैट्समैन अपनी टीम में रख के जाओ, जैसा कि कल वाला मैच था जहाँ 6 के 6 ऑलराउंडर्स आपका पता है इंपॉर्टेंट है, बोल्टन, पेरी, गार्डनर, ग्राहम का आप डिवाइन, तो टीम कॉम्बिनेशन बन जाता है, ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। इस वजह से मेरे को थोड़ा सा पसंद है यहाँ पे खेलना। ठीक, तो वो कर रहे हो तो आ सकते हो। इंग्लैंड वर्सेस श्रीलंका, डेट एंड टाइम 1 नवंबर आज ही के दिन शाम को 7:30 बजे शारजा क्रिकेट स्टेडियम पे यह मैच होगा। वेदर की बात करोगे 32 डिग्री सेल्सियस, टीम फॉर्म की बात करोगे इंग्लैंड 3 में से 3 जीत के आ रहे हैं, वहीं श्रीलंका 3 में से सिर्फ 1 जीत के आ रहा है, एक जो उन्होंने बांग्लादेश को हराया, फिर ये लास्ट मैच अपना हार के आ रहे हैं वेस्ट इंडीज़ के सामने। ठीक है, अच्छे सिचुएशन में थे, वहाँ से कैसे निकल गए साउथ अफ्रीका के सामने, कैसे सिचुएशन में थे, फिर ठीक है हसरंगा ने हैट्रिक ली थी फिर भी आप नहीं जीत पाए, मिलर और रबाड़ा आपको छक्के मार रहे हैं एंड में आके, तो फिर सीरियस इशू है आपकी बॉलिंग में। आगे चलते हैं वेन्यू रिकॉर्ड्स की तरफ, तो टोटल 21 मैचेस हुए हैं इस वेन्यू पे, 9 बार जो टीम चेस करी है वो जीती है और 12 बार जो बैटिंग फर्स्ट करी है वो जीती है। एवरेज स्कोर जो यहाँ रहा फर्स्ट इनिंग में 145, सेकेंड इनिंग में 123, जो कि आपको दिखा रहे हैं चेस करना डिफिकल्ट है, लेकिन जो रीसेंट मैचेस हुए हैं वहाँ पे 4 विकेट से चेस करते हुए साउथ अफ्रीका जीती, उससे पहले वेस्ट इंडीज़ जीती थी सिर्फ 3 रन से, पाकिस्तान 5 विकेट चेस करते हुए, अफगानिस्तान वर्सेस स्कॉटलैंड ये तो कोई कॉम्पिटिशन था ही नहीं, श्रीलंका 5 विकेट से, श्रीलंका 8 विकेट से, तो चेजिंग और डिफेंडिंग दोनों ही हो जा रही है शारजा के ग्राउंड पे, तो इधर उतना टॉस जो है मैटर करेगा नहीं। आगे चलते हैं टीम्स और मेन्यू देखते हैं। एक मैच खेला इंग्लैंड ने यहाँ पे और वो एक T20 जीता है 2015 की वो बात है। श्रीलंका की बात करोगे 3 T20 मैचेस खेले हैं, 2 जीत और 1 हार है इनके पास इन ग्राउंड पे। आगे चलते हैं बैट्समैन की तरफ, तो बैट्समैन स्टैट्स ऑफ स्टेडियम में आपको दिखेगा कि जो सबसे बेहतरीन प्लेयर है स्टेडियम पे और डेविड मलान ने PSL में अच्छा करके रखा है, 6 मैचेस में 209 रन बनाए थे 34 के एवरेज के साथ। फिर आप रॉय की तरफ चलोगे तो 4 T10 के मैचेस खेले थे और 4 PSL के, दोनों में ही 32 और 40 का एवरेज था, ये 2 इंग्लैंड की तरफ से। कुशल परेरा ODI में कुछ खास नहीं कर रहे, ना ही इनका फॉर्म कुछ खास है, तो ये है ना ही जोनी बेस्ट हो इस वेन्यू पे ठीक ठाक कर पाते हैं। बटलर की तरफ देखोगे ना
तो एक प्लेयर जो तबाही वाले फॉर्म है लेकिन इस वेन्यू पे उतना खेला नहीं है और जब जब खेला उतना कुछ खास किया नहीं है T20 और IPL में। ठीक, तो ये चार बैट्समैन जो अभी के लिए फॉर्म में थे उनका रिकॉर्ड आपको बताना ज़रूरी था कि वो वेन्यू पे कैसा खेल रहे हैं, यानी कि शारजा पे कैसा खेल रहे हैं। तो वो मैंने आपको बता दिया। अब शारजा का जो विकेट है वो हो सकता है कि इंग्लैंड बैट्समैन को उतना रास ना आए जितना दुबई और अबू धाबी जहाँ पेस बाउंस अच्छा है वो आता है। प्लस सामने दो क्वालिटी स्पिनर्स हैं, महेश तिक्षाने और वनिन्दु हसरंगा, तो ये चीज़ है ध्यान रखना। थोड़े ना कौन सा बॉलर है जो इस वेन्यू पे या फिर स्टेडियम पे बॉल डालना पसंद करता है। 7 विकेट है जॉर्डन के पास, 6 विकेट है लियाम डॉसन के पास, 6 विकेट है वनिन्दु हसरंगा के पास। तो हसरंगा और जॉर्डन तो खेल रहे हैं, दोनों आपकी टीम में होने चाहिए। 4 विकेट वोक्स के पास हैं, 6 विकेट। अच्छा, वोक्स का एक सर्टन सिनेरियो है कि बॉल अगर सीम स्विंग होता है तो वोक्स विकेट ले पाते हैं, जैसे लास्ट मैच में उनको देखने को मिला था। लेकिन ये शारजा का ग्राउंड है, डेड ग्राउंड है, प्लस अगर सेकेंड इनिंग में कहीं गलती से इंग्लैंड बॉल डालता है फिर तो आप वोक्स मत लेना, फिर आप मिल्स ले सकते हो, जॉर्डन ले सकते हो, आदिल रशीद ले सकते हो, मोइन अली और लियाम लिंगस्टन, बहुत सारे आपका स्पिन और वो जो स्लोअर्स कटर्स डालते हैं उनके ऑप्शंस ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल। ठीक, तो ये था स्टेडियम पे रिकॉर्ड, कौन सी टीम कैसा खेल रही है स्टेडियम पे और क्या क्या आप कर सकते हो वो। आगे चलते हैं प्लेइंग 11 की तरफ। इंग्लैंड से स्टार्ट करते हैं, जॉस बटलर और जेसन रॉय ओपन कर रहे हैं और दोनों ही बढ़िया फॉर्म में, खासकर बटलर लास्ट मैच में 71 रन बनाए थे, रॉय ने 22, उससे पहले 61। डेविड मलान उतनी बैटिंग आ नहीं रही है क्योंकि ओपनर्स अच्छे फॉर्म में हैं तो ज़्यादा रन बचते नहीं अगर चेस करते हैं तो, और अगर बैटिंग फर्स्ट करते हैं और इंग्लैंड अच्छे सिचुएशन में आ जाता है तो फिर मलान को रिमोट करके खुद मॉर्गन, बेस्टो, लिविंगस्टन या फिर मोइन अली आ जाते हैं। तो ये चीज़ें टॉप थ्री में से, अभी भी मैं तो सिर्फ दो लेना प्रेफर करूँगा, दो में हमारा काम हो जाना चाहिए। बटलर रॉय मिडिल ऑर्डर में लूँगा नहीं। लियाम लिविंगस्टन हाँ लास्ट 2 मैचेस से बॉल डाल रहे हैं और दोनों मैचेस में 1-2 विकेट उनको मिले हैं। फिर आते यॉन मॉर्गन, मोइन अली लास्ट मैच में बॉल नहीं डाला था, उससे पहले डाला था, 2 विकेट निकाला थे। वोक्स को लास्ट मैच में 2 विकेट मिले, जॉर्डन को 3 विकेट मिले थे, टिमाल को 2 विकेट मिले थे और आगे चलो तो आदिल रशीद को भी ऑलमोस्ट हर मैच में सर्टेनिटी के साथ 1-2 विकेट तो मिल ही जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ हुई। अच्छा, टिमाल का लास्ट मैच ख़राब था तो हो सकता है कि मार्क वुड जो फिट है, लास्ट मैच में मॉर्गन ने बोला था कि हाँ फिट है लेकिन अभी भी हम चांस लेना नहीं चाहते, तो हो सकता है कि मार्क वुड ले आए टिमाल मिल्स की जगह। ये एक चेंज जो है इंग्लैंड देख सकती है। बेंच पे डेविड वेली है, सैम बिलिंग्स है, मार्क वुड का चेंज मैंने आपको बता दिया, बाकी टॉम करन मुझे लगता नहीं है कि अभी आएंगे। तो ये इंग्लैंड के प्लेइंग 11, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं वो मैं आपको बता चुका। मैं सिर्फ 2 बैट्समैन लूँगा, बटलर रॉय इन केस बैटिंग फर्स्ट कर रही है तो मैं मलान ले लूँगा, कि अगर वनिदु हसरंगे या महेश दीक्षा ने 1-2 विकेट ले लेते हैं तो मलान हमें थोड़ा सा सपोर्ट कर देंगे। अब जब आप 3 बैट्समैन ले लोगे तो फिर आपके पास ऑप्शन बचेंगे सिर्फ आप 4 बॉलर्स उठा पाओ, तो उन 4 में से भी स्पेसिफिकली मैं आदिल रशीद, क्रिस जॉर्डन और शायद से क्रिस वोक्स को ना छोड़ूं। क्रिस वोक्स सिचुएशन इनके लिए मैटर करेगा कि विकेट पर ग्रास है, पुराने विकेट पर जहां लास्ट मैच हुआ था वहां खेले नहीं, तो ये मैं आपको टॉस पे बताऊंगा कि मैं वोक्स के साथ जा रहा हूं या फिर मैं टिमाल मिल्स के साथ जा रहा हूं। इन केस विकेट एकदम ही डेड है, पहले बॉल डाले तो मैं मिल्स, राशिद, जॉर्डन, मोइन अली, मेरे ये 4 हो जाएंगे प्लस मेरे वो 3 बैट्समैन। इन केस पहले बॉल डाल रही इंग्लैंड तो फिर मैं 5 बॉलर लेने की कोशिश करूंगा जो कि होंगे मोइन, वोक्स, जॉर्डन, टिमाल और आदिल रशीद। इन केस अगर मैं वोक्स फिर भी नहीं लेता हूं तो मैं लियाम लिविंगस्टन की तरफ जा सकता हूं क्योंकि शारजा पे स्पिन को सपोर्ट मिलता है और लिविंगस्टन लास्ट 2 मैचेस से बॉल भी डाल रहे हैं, तो ये एक चीज़ जो है मैं इंग्लैंड की तरफ से करूँगा टॉस के बेसिस पे। ठीक, श्रीलंका की तरफ से ज़्यादा प्लेयर उनके पास बेंच पे उतने बैठे नहीं है, एक वेटरन ज़रूर बैठा है दिनेश चांदीमल, क्योंकि अविष्का का फॉर्म उतना अच्छा नहीं है तो हो सकता है कि चांदीमल ले आए, वरना तो कुशल परेरा, प्रथम निशान का ने लास्ट मैच में अच्छी इनिंग के लिए, चरित असलंका बहुत सॉलिड दिखते हैं जब जब शॉट्स लगाते हैं, भनु का राजपक्सा है, फिर दर्शन शनक और वनिदु हसरंगा, ये है इनका टॉप 7। बैटिंग से कुशल परेरा ट्रस्ट करो फॉर्म में आ सकता है, बड़ा प्लेयर है, छोड़ना मत। ठीक, उसके बाद प्रथम निशान का चरित असलंका, चॉइस आपकी है, मैं असलंका फेवर करूँगा सिर्फ इसलिए क्योंकि इंग्लैंड का जो बॉलिंग है पावर प्ले में, खासकर क्रिस वोक्स उनके साथ, जॉर्डन उनके साथ अगर डालते हैं स्पिन डालने आ जाते हैं आदिल रशीद जो लास्ट मैच में पावर प्ले में बॉल डालने आए थे, तो वो थोड़ा सा स्ट्रांग हो पड़ सकता है पतुम निशानका के ऊपर। ठीक, तो मैं चरित असलंका लूँगा, क्यों, असलंका लेफ्टी रहेंगे, आदिल रशीद लेग स्पिन डालेंगे तो 1-2 शॉट्स या फिर 2-3 अच्छे छक्के लगा के हमें चरित असलंका पॉइंट्स दे सकते हैं, तो मेरे लिए कुशल परेरा और चरित असलंका एक चॉइस रहेंगे। निशानका हो सकता है मैं शायद ना लूँ, अविष्का फर्नांडो वही सीन है, अगर श्रीलंका बैटिंग फर्स्ट करती है तो मैं श्रीलंका का एक बॉलर ड्रॉप करके, यानी कि जो मैं अपन महेश दीक्षा ने या फिर दुश्मन चमिया लेने की सोचते हैं तो उनको मैं ड्रॉप करके फिर एक बैट्समैन पे रिस्क ले सकता हूँ। इन केस श्रीलंका पहले बॉल डालता है फिर मैं एक बॉलर के साथ ही जाऊँगा, मुझे अविष्का फर्नांडो पे उतना भरोसा है नहीं। ठीक, तो कुशल परेरा,
चरित श्रीलंका अभी के लिए। नीचे जाओगे मेरा तीसरा जो प्लेयर रहने वाले वो वनिधु हसरंगा है, चौथा डिपेंड करेगा जो मैंने आपको बता दिया है कि एक एक्स्ट्रा बॉलर में ले रहा हूँ महेश दीक्षा ने या फिर दुश्मन चमीरा, अगर वो नहीं तो मैं एक्स्ट्रा बैट्समैन पर रिस्क ले सकता हूँ, वो पथुम हो सकता है या फिर अविष्का फर्नांडो डिपेंडिंग ऑन टॉस। ठीक, हेड टू हेड और बैटल की तरफ आते हैं तो टोटल 12 मैचेस हुए इन दोनों के बीच, 8 जीते हैं श्रीलंका ने, 8 जीते हैं इंग्लैंड ने और 4 जीते हैं श्रीलंका ने। उसमें से भी श्रीलंका ने जब चेस करा है तो सिर्फ एक ही मैच जीत पाई है 4 में से, ठीक है, जबकि अगर इंग्लैंड चेस कर रही तो 5 मैच जीती है और 3 बार बैटिंग फर्स्ट करते हुए। तो इंग्लैंड चेजिंग या डिफेंडिंग दोनों में स्ट्रांग है श्रीलंका से, ऑब्वियस सी बात है। लास्ट 5 मैचेस की समरी देखोगे तो 5-0 से लीड में है इंग्लैंड। 2021 में श्रीलंका इंग्लैंड गई थी, वहाँ पे 3-0 से T20 सीरीज हारी थी। उन मैचेस में क्या हुआ था वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इंग्लैंड पहले बैटिंग करता है, 180 बनाता है मलान बेस्टो के रन, यहाँ से देखोगे तो एकदम ही नेस्तनाबूद कर दिया था श्रीलंका को, 91 ऑल आउट। 3 विकेट थे विली के पास, 2 थे सैम करन के पास, लेकिन ये जो 6 विकेट गिरे थे इंग्लैंड में इसमें से 4 थे दुश्मन चमीरा के पास। इंग्लैंड में मैच था तो फास्ट बॉलर्स के लिए कंडीशंस अच्छी थी, तो चमीरा और बिनारू को विकेट मिल गए। फिर आगे चल के देखो, एक तो 11 यहाँ पे बनाए थे श्रीलंका ने, लिविंगस्टन के रन थे, वनिधु के रन थे, मार्क वुड, आदिल रशीद, कुशल मेंडिस, कुशल परेरा। यहाँ और आगे चलो, बटलर और रॉय के फिर से आपको रन दिख जाएंगे, आदिल रशीद के विकेट हैं, दुश्मन चमीरा का एक विकेट, रॉय, मोइन अली के रन्स और यहाँ से आदिल रशीद के विकेट। तो आदिल रशीद अच्छा बॉल डाल देते हैं इंग्लैंड के अगेंस्ट। तो ये तो 3-4-5 मैचेस की समरी थी, मैं टोटल अगर आपको 12 मैचेस की समरी बताना चाहूँ तो सबसे बेहतरीन प्लेयर अगर कोई निकल के आ रहा है हेड टू हेड में तो भाई वो है जेसन रॉय। जेसन रॉय का कोई सहानी नहीं, 44 का एवरेज है अगेंस्ट श्रीलंका ODI में और 32 का है इन T20s। तो जेसन रॉय सबसे बेहतरीन प्लेयर, लेकिन हाँ जैसा उन्होंने खेला था किसको, एडम जैम्पा को आड़े तेर से शॉट मार के वैसा ही खेलते हैं तो हसरंगा के सामने फंस सकते हैं। उनके बाद आते हैं जॉस बटलर, 36 का एवरेज है T20 में, 22 का है ODI में, ये दोनों इनके ओपनर्स। फिर आते हैं हमारे डेविड मलान, तो डेविड मलान के रिकॉर्ड मैं आपको बता देता हूँ, 3 T20 जो 2021 में ही हुए थे वो खेले थे इन्होंने अगेंस्ट श्रीलंका, 87 बनाए थे उसमें 30 के एवरेज के साथ। तो ये 3 बैटर्स हैं, ठीक। उसके बाद बेस्टो का कुछ खास है नहीं श्रीलंका के अगेंस्ट, देख सकते हो सिर्फ 13 का एवरेज है। यॉन मॉर्गन की बात करोगे सिर्फ 19 का एवरेज है, बाकी लिविंगस्टन की बात करोगे तो उनका भी सिर्फ 14 का एवरेज है। तो जो टॉप 3 इंपॉर्टेंट है उनका एवरेज मैंने आपको बता दिया और उनके रन कितने कितने कब कब बनाए हैं वो बता। श्रीलंका की तरफ से देखो तो एक लौता बैट्समैन आपको देखेगा जिसने अच्छे खासे मैच खेले, 6 T20 खेले अगेंस्ट इंग्लैंड, 13 रन के एवरेज के साथ बनाए हैं 6 मैचेस में सिर्फ 80 रन, कुशल परेरा। प्रथम निशान का ने 3 ODI खेले हैं श्रीलंका के अगेंस्ट, उनमें सिर्फ 16 रन बना पाए। दूसरी चीज़ वनिधु हसरंगा इंग्लैंड के अगेंस्ट बैटिंग अच्छी कर सकते हैं, उस सीरीज में 150 का जो था इनका स्कोर आया था देख सकते हो, 54 का एक ODI मैच में, तो ये चीज़ है। उसके बाद अविष्का फर्नांडो ने 2 T20 खेले सिर्फ 6 रन बना पाए, 3 ODI खेले सिर्फ 65 रन बना पाए अगेंस्ट इंग्लैंड। इंग्लैंड के अगेंस्ट दशुन शनका ठीक ठाक कर लेते हैं, 10 मैचेस में 270 रन उनके पास हैं, बाकी कोई खास बैटिंग परफॉर्मेंस है नहीं। तो हेड टू हेड में कौन कैसे बैटिंग करता है वो बता दिया, बॉलिंग से भी मैं आपको बता देता हूँ किसके ज़्यादा विकेट है। तो सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला प्लेयर है क्रिस वोक्स, 25 विकेट ले चुका है अगेंस्ट श्रीलंका, 22 विकेट जॉर्डन ले चुके हैं ये दो प्लेयर इंग्लैंड से। तीसरा मोइन अली 12 विकेट, आदिल रशीद अगर आपको यहाँ दिख जाएंगे तो यहाँ 17 विकेट आदिल रशीद के आपको देखेंगे, 17, 25, 22 और 12, ठीक है। तो यहाँ तक हमारी जो बॉलिंग चॉइसेस हैं इंग्लैंड की तरफ से वो आपको बहुत हद तक क्लियर होती हुई दिख जाएगी, बस एक जो रिस्क लेना है अपन को वो उसकी जगह का टिमालमेंस ले सकते हैं। तो इंक्लूडिंग श्रीलंका अगर आप बात करोगे अगेंस्ट इंग्लैंड तो दुश्मन चमीरा के पास 6 T20 और 6 ODI मतलब टोटल 12 विकेट हैं श्रीलंकन बैट्समैन के, 5 धनंजय डिसिल्वा जो खेल नहीं रहे उनके पास हैं, 2 अकीला के पास हैं, वनिधु हसरंगा के पास 3 विकेट है, बाकी किसी ने बॉल डाला है नहीं, ठीक। तो ये है आपके पास चॉइसेस। कुछ बैटल जो हो सकती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, चरित श्रीलंका से पहले अपन कुशल परेरा की बैटल देखते हैं। तो कुशल परेरा को 3 बार वोक्स आउट कर चुके हैं, 3 बार वेली, 2 बार आदिल रशीद, 1 बार जॉर्डन, उनके साथ जो ओपन करते हैं पतम निशान का उनको भी वोक्स आउट कर चुके हैं। उसके बाद जो आएगा चरित श्रीलंका उनको 2 बार डेविड विली आउट कर चुके हैं, डेविड विली खेल नहीं रहे। उनके बाद अविष्का आएंगे, उनको 1 बार विली, 1 बार वुड, 1 बार करण, 2 बार विली, तो यहाँ परेशानी थी। फिर दिनेश चांदीमल अगर खेलते हैं किसकी, अविष्का फर्नांडो की जगह, तो 3-5 जॉर्डन 5 बार दिनेश चांदीमल को आउट कर चुके, तो ये बैटल है। इंग्लैंड की तरफ से भी हैं कुछ बैटल, चमीरा 2 बार डेविड मलान को आउट कर चुके, किले धनंजय खेल नहीं रहे, नहीं तो उन्होंने भी जॉय को 3 बार आउट करके रखा था, जेसन रॉय को यानी जॉय, ठीक है, जेसन रॉय यानी जॉय, ये कहने का मतलब। तो ये है बैटल्स कुछ जो आपको काम आ सकती है, रिकॉर्ड्स हमने देख लिए, हेड टू हेड मैचेस समरी, रीसेंट फॉर्म, वेन्यू, टीम का फॉर्म, सब कुछ। तो ड्रीम 11 टीम अब नहीं बनाते हैं, देखते हैं कैसी बन रही, ठीक। बटलर और कुशल परेरा,
दो विकेट कीपिंग चॉइसेस मैं दो विकेट कीपर्स के साथ में गया हूँ, बटलर, परेरा अच्छे फॉर्म में नहीं, लेकिन हाँ बैक करने लायक प्लेयर हैं तो मैं बैक कर रहा हूँ। फिर मैंने जेसन रॉय लिया है, और जैसा मैंने बताया था अगर इंग्लैंड बैटिंग फर्स्ट करती है तो फिर मैं एक एक्स्ट्रा बैट्समैन ले सकता हूँ जो कि रहेगा डेविड मलान। और मैंने फिर चार बॉलर जो इंग्लैंड की तरफ से आपको बताए थे और जो रिकॉर्ड्स भी हमें बता रहे हैं, जॉर्डन, वोक्स, आदिल रशीद और मोइन अली, ये चार बॉलर्स और ये तीन बैट्समैन तो इंग्लैंड की तरफ से सॉर्टेड है। श्रीलंका की तरफ से आपको कुछ रिस्क लेने पड़ सकते हैं एक बैटिंग पोजीशन पे, या तो चरित असलंका या फिर पथुम निशान का। मैंने जहाँ तक देखा है मेरे को असलंका ज़्यादा पसंद आए हैं। और एक चीज़ जो मैंने आपको बताया कि इंग्लैंड का जो बॉलिंग अटैक है वो पावर प्ले में अच्छी बॉल डालते हैं, और पावर प्ले में जब ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन के विकेट ले लिए तो यहाँ पे पथुम निशान का है, तो हो सकता है कि इनमें से कोई पथुम निशान का को जल्दी आउट कर दे और फिर असलंका हमें रन बना के दे दे। ये एक जगह रहेगी जहाँ आप रिस्क ले सकते हो। दूसरा आपका हसरंगा फिक्स रहेगा, और चमीरा की जगह आप महेश थिक्षाने ले सकते हो, क्योंकि मैंने माना है इंग्लैंड पहले बैटिंग कर रही है तो चमीरा हमें पावर प्ले में बॉल डाल के देंगे और डेथ में बॉल डाल के देंगे, इसलिए मैंने चमीरा को लेके रखा है। एक चीज़ आप क्या कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि कुशल परेरा आज भी रन नहीं बनाएंगे तो आप कुशल की जगह लहिरु कुमार या चमीरा करुणरत्ने ले सकते हो, जो दुश्मन चमीरा के साथ डेथ में बॉल डालेंगे। ठीक है, ये बहुत बड़ा रिस्क होगा लेकिन हाँ ले सकते हो। कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी बटलर और हसरंगा को दी है अभी, क्योंकि हसरंगा ने रन भी बनाए थे इंग्लैंड के अगेंस्ट अभी ही जून जुलाई 2021 में, प्लस इंग्लैंड स्पिन के अगेंस्ट वीक है, तो अगर 120 130 का भी चेज करती है टारगेट इंग्लैंड तो एक दो विकेट गिर सकते हैं जैसा आपने लास्ट मैच में भी देखा था। और वो एक स्पिनर ही लेगा, चाहे वो हसरंगा हो, चाहे वो महेश थिक्षाने हो, या फिर वो दुश्मन चमीरा हो, इन तीन प्लेयर्स में से मुझे लग रहा है कोई ना कोई विकेट ले सकता है, तो मैंने अभी चमीरा और हसरंगा को प्रेफर किया है। आपके पास दूसरी वाइस कैप्टनसी की चॉइसेस क्या है? पहले इंग्लैंड बॉल डालता है, आप रशीद को बना सकते हो, आप जॉर्डन को बना सकते हो, आप मोइन को बना सकते हो। पहले इंग्लैंड बैटिंग कर रहा है तो आप रॉय और बटलर के साथ जा सकते हो, ये चीज़ें आप कर सकते हो। 11 चैलेंजेस पर भी मैंने अभी सेम कॉम्बिनेशन रखा है, इधर मेरे को क्रेडिट की भी दिक्कत नहीं आएगी। जैसा ड्रीम 11 अब मेरे पास 0 क्रेडिट बचे हैं और थिक्षाने 9 क्रेडिट के हैं, तो मेरे को अगर थिक्षाने लेना हुआ तो मैं चमीरा की जगह थिक्षाने ले लूंगा, मुझे दिक्कत नहीं आएगी कहाँ 11 चैलेंजर्स ऐप पे, लेकिन ड्रीम 11 पे वो चीज़ मैं नहीं कर पाऊंगा। ठीक, बाकी टॉस के बाद अपन देखते हैं क्या कर सकते हैं। मैं मिलूंगा आपके साथ फाइनल टीम्स लेकर सीधा टेलीग्राम चैनल पे, आप भी पहुंच जाना, कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन में लिंक है। जो चैनल पे नया है चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, इंटरेस्टिंग वीडियो एनालिसिस आपके लिए आते रहते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।